गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली एक 1310 का ट्रांसमीटर इंस्टॉल कर रहा था, लगा रहा था। तो उसमें बेसिकली आपको बता दूंगा कि 1310 के ट्रांसमीटर पे लगाने पे कितना आपको पावर आउट होगा, फिर उससे कितना डिस्टेंस ले जाने के बाद कितना आपके नोड पे पावर आता है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, अभी ट्रांसमीटर लगाने जा रहा है मेरा बंदा, और वहाँ पर ट्रांसमीटर जब लग जाएगा उसके बाद पावर कैसे इंसर्ट करनी है, RF कहाँ पर लगेगा, उसके बाद ट्रांसमीटर से कितना पावर आउट हो रहा है, पावर मीटर पर भी चेक करा दूँगा, साथ ही आपको नोट पे भी बताऊंगा कि कस्टमर एंड तक जाते जाते कितना पावर मिल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ट्रांसमीटर इंस्टॉल करते हुए पहले देख लेते हैं। गाइस, अभी हम ये ट्रांसमीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैं आपको आज लाइव पावर ओवर सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा। 13 dBm का ट्रांसमीटर है, 1310 पे है, तो इंस्टॉल अभी कर रहे हैं मेरे भाई है। इंस्टॉल करिए इसको, अभी रैक वैक में लगा के सारा पावर ओवर सब कुछ आपको चेक करा के दिखाएंगे कि कितना इस पर पावर निकल रहा है आपका। तो फाइनली इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पे RF सिग्नल इंसर्ट कर दिया गया है, और इस पर अभी यहाँ से ऑप्टिकल आउट लेंगे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे पावर चेक करके कितना पावर इससे निकल रहा है, और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है। हम यहाँ पे ऑप्टिकल केबल इंसर्ट कर रहे हैं, इसके बाद अब पावर चेक करके आपको दिखाता हूँ। 13 dBm का था यहाँ पर, 13.76 आपको पावर आउट हो रहा है, और अभी FMS लगाते हैं, उसके बाद आपका जो नोट पे कितना आएगा पावर वो भी मैं आपको, वहाँ पे -2 -3 dB तक आएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ये सब कुछ होने के बाद जब 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो वहाँ पे जब चेक करा पावर तो -1.8 के आसपास दिखा रहा था, लगभग ठीक ठाक था। तो इसी तरीके से 13 dBm के ट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं गाइस। बेसिकली मैं इस वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो लोग को शायद थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके। होप सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।